नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज पारसेडियम से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर सजावटी पौधे के बारे में, जो आम पाम की एक वैरायटी है जिसका नाम है फॉक्सटेल। आज हम लोग इसके संपूर्ण केयर के विषय में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फॉक्सटेल पाम के केयर पर। फॉक्सटेल पाम का वैज्ञानिक नाम वोडेटिया बेरुफरकाटा है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो उत्तर ऑस्ट्रेलिया का मूल रूप से पौधा है। यह अपनी अनूठी सुंदरता के कारण भूमि निर्माण यंत्रों के रूप में पूरी दुनिया बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो गया है। उत्पत्ति और भौतिक विशेषताओं की बात करें तो इस पौधे की खोज पहली बार ऑस्ट्रेलिया के वनस्पति शास्त्री W.D. जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कैप याक प्रायद्वीप पे एक दुरस्थ हिस्से में किया था। इसका नाम इसकी पत्तियों की बनावट के कारण पड़ा, जो देखने पर लोमड़ी की पूंछ के समान लगती है। यह पौधा 10 फीट फैलाव के साथ साथ 30 फीट तक लंबा हो सकता है। फॉक्सटेल पाम द्विलिंगी पौधा, इसके अर्थ होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर पेड़ पर पीले रंग के फूल आते हैं और मादा पौधे पर लाल रंग के फूल आते हैं। अगर इनकी विकास की बात करें तो यह पौधा बहुत ही धीरे बढ़ता है। इसके विकास दर प्रति वर्ष 6 इंच तक होती है। अब बात करते हैं इसकी सॉइल मीडिया की, तो इस पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अपनी मिट्टी सूखी पसंद है। इसकी सॉइल मिक्स बनाते समय आप 50% मिट्टी, 30% रेत, 25% खाद का इस्तेमाल करें, जिससे इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं और हल्की नमी भी इसकी मिट्टी में बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं इसकी धूप की आवश्यकता की, तो आप इसको ऐसे जगह पर रखें जहां पर इसको कम से कम 5 से 7 घंटे की सीधी रोशनी मिले या 4 से 5 घंटे की खुली धूप इसको मिलती हो। अब बात करते हैं इसके पॉट साइज की, तो अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इसको 18 से 24 इंच के पॉट में लगाएं, जिससे यह बहुत ही आराम से विकसित होगा। अब बात करते हैं पानी की, तो आप इस पौधे के पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह 1.5 से 2 इंच तक सूखी हुई नजर आए, तो आप इसके भरपूर मात्रा में पानी डालें जब तक पानी इसके ड्रेन होलों से बाहर न निकल लगे। बहुत ज्यादा नमी ना होने या गमले में पानी रुकने की वजह से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर के विषय पर, तो आप इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। हर 6 महीने में एक बार इसकी मिट्टी में आप नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद की समान मात्रा वाली खाद इसकी मिट्टी में आप मिला सकते हैं, जो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो आप इसको हर 3 महीने में एक बार एनपीके की बैलेंस फॉर्म वाला कोई भी फर्टिलाइजर 1 से 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर इसकी जड़ों में डाल दें और इसके पत्तों पर छिड़काव करें। यह इसके लिए पर्याप्त है। अब बात करें इनके प्रोपगेशन की, तो आप इनको बीजों से आसानी से उगा सकते हैं। इनके बीजों को उगाने के लिए इनके बीजों को आप 4 से 5 दिन पानी में भिगा कर रख दीजिए और
उसके बाद रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए और महीने नमी का ख्याल रखिए, यह आराम से पौधा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर कीट और रोगों के विषय पर। तो यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इस पर कीटों का बीमारियों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, बस इनके काली सड़न और गुलाबी सड़न देखने को मिलती है फंगस के कारण। तो इनके बचाव के लिए आप इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया में लगाएं ताकि पानी इसमें रुके ना, यही इसका सुरक्षित उपाय है। इसे फंगस को अटैक से रोकने का, इससे पानी बहुत ना रुके तथा हर 2 महीने में एक बार कोई भी बढ़िया फंगिसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल दें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें, आपका पौधा सालों साल आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता रहेगा। तो आपकी वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य पौधे के साथ उसकी केयर के विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।